हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस लैब अटेंडेंट, तैयारी कैसे करें, यानी कि आपको लैब अटेंडेंट के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, कैसे आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपका लैब अटेंडेंट का एग्जाम पैटर्न रहेगा, सभी को डिटेल में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। क्या क्या इस वीडियो के अंदर इंक्लूड रहेगा, सबसे पहले सिलेबस आपका जो रहेगा लैब अटेंडेंट का, उसके बाद है आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपकी बुक्स कौन सी आएगी, टेस्ट सीरीज क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, इसी तरह लिखकर 8447410108 पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके थ्रू हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी हमारे न्यू बैच बनते हैं, क्लासेस स्टार्ट होती है या न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशंस आते हैं, हमारी यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं, सभी के लिंक व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो। इसके अलावा लाइव कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैचेस भी है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच भी है और नोट्स बाय कोरियर, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। जो हमारा हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल है बाय कोरियर, ऑनलाइन बाय कोरियर जो है ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर कराया जाता है। स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉयड यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सभी कोर्सेज हमारी ऐप पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका कोर्स है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इस तरह के हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल है, कंप्लीट बुकलेट है, कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया गया है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी के एग्जाम के यहाँ पे हमारे नोट्स रेडी है, चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर KVS कर रहे हैं या फिर EMRS कर रहे हैं या NVS कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम इस वीडियो में लैब अटेंडेंट की बात कर रहे हैं तो लैब अटेंडेंट के नोट्स हमारे रेडी है। 8447410108 पर आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी आप अपने लैब अटेंडेंट की बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, उनके लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। इस तरह के हमारे बैच है जो हमारी ऐप पर आपको मिलेंगे, चाहे आप रिकॉर्डेड चाहते हैं या फिर लाइव, दोनों ही ऑप्शंस हमारी ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले देखते हैं लैब अटेंडेंट क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 120 मार्क्स, यानी कि 120 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। सबसे पहले पार्ट वन, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर, यानी कि जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी रहेगी वो आएगी 15 नंबर की। सेकंड पे है जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका GA वो भी 15 नंबर का ही रहेगा। थर्ड पे है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है जनरल हिंदी और इंग्लिश, 30 नंबर की रहेगी टोटल, यानी कि 15 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी और 15 नंबर की हिंदी रहेगी। इसी तरह पार्ट फोर्थ में आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि लैब अटेंडेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लैब अटेंडेंट का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 60 मार्क का रहेगा, यानी कि 60 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह का जो आपका टोटल पेपर बन गया वो है 120, यानी 120 नंबर का टोटल आपका एग्जाम रहेगा। इस तरह आपको टॉपिक वाइज आपका आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार देखते हैं कहाँ से आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम का मैंने आपको बताया 120 मार्क्स का टोटल रहेगा, लैंग्वेज आपके 30 मार्क्स ही रहेगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी 0.25, यानी कि 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। OMRS सीट बेस्ड पेपर आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि पेन पेपर बेस आपका एग्जाम रहेगा। बुक के जो लिंक है, अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के स्टडी मटेरियल की, यानी कि
बुक की। तो लैब अटेंडेंट की जो बुक है वो इस तरह से फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ये आपके फ्लिपकार्ट की बुक है जहाँ से आप हार्ड कॉपी नोट यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम में ये बुक अवेलेबल है, चाहे हिंदी मीडियम लो या फिर इंग्लिश मीडियम लो। यदि इसके अलावा यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लासेस भी मिल जाएंगी। टेस्ट, अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज की बुक्स भी हमारी अवेलेबल है। कंप्लीट सेट है, कंप्लीट लैब अटेंडेंट की बुक रहेगी, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल रहेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में ले या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो भी आपका मीडियम है वो ले सकते हैं। इसी तरह EMRS की सभी बुक्स हमारी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस तरह ये है लैब अटेंडेंट हिंदी मीडियम, ये अमेज़न का है, अमेज़न पर अवेलेबल है। जो आपको ठीक लगे हम वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी, ये भी अमेज़न पर ही है, लैब अटेंडेंट है, EMRS लैब अटेंडेंट है। दोनों ही जो है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही ऑप्शंस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इस तरह की कंप्लीट आप बुक को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं वही नोट्स आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है आपके पास, यदि आप नहीं चाहते कि हार्ड कॉपी बुक से पढ़ा जाए, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये हमारा PDF लिंक है। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यहाँ भी दोनों ही मीडियम में PDF अवेलेबल है। PDF को आप बाद में प्रिंट करा के आप प्रिंट आउट लेकर आप अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपको अमाउंट पे करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इंग्लिश मीडियम की PDF, वो है हिंदी, यानी कि दोनों ही मीडियम में भी PDF जो है वो अवेलेबल है, दोनों से ही पढ़ सकते हैं। यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं या फिर PDF, वो आपकी चॉइस है, आप इनको ऐसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, क्या सिलेबस रहेगा लैब अटेंडेंट का। सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी आती है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। सेकंड पे है डाटा सफिशियंसी। थर्ड पे है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि वर्बल रीजनिंग। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंट एंड सीरीज, डायरेक्शन डैश, असेसर रीजन एंड वेन डायग्राम। तो ये है आपका रीजनिंग के टॉपिक, जो जो टॉपिक रहेंगे, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पे आता है जर्नल इंग्लिश, यानी कि आपकी बेसिक इंग्लिश रहेगी, जैसे वर्ब हो गया, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब एडवर्ब, एरर कनेक्शंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ये आपके जर्नल इंग्लिश के वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है जर्नल हिंदी, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये है आपके हिंदी के टॉपिक जहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है जर्नल अवेयरनेस, यानी कि GK का भी आपका पार्ट रहेगा, जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपको GA और करंट का भी आपको तैयारी करनी है, जो कि आपका इसमें पार्ट इंक्लूड है। लास्ट एंड नेक्स्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि लैब अटेंडेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो लैब अटेंडेंट का जो पार्ट है वो आपका 60 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 60 नंबर का जो आपका लैब अटेंडेंट का सिलेबस रहेगा वो ये सभी टॉपिक है, यहाँ से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें क्या है, नॉलेज ऑफ लैब वर्क, लैब इक्विपमेंट्स, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ लैब, साइंटिफिक नेम्स ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट्स, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन लैब, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी etc. तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा सिलेबस है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जो कि आपका टोटल 60 मार्क्स का यहाँ से आपका क्वेश्चन आएंगे। इस सब्जेक्ट की प्लस जनरल पेपर की हमारी बुक रेडी है, जो कि आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं। इस तरह की ये बुक्स है, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ,
आप फ्लिपकार्ट के थ्रू जाके आप अपनी लैब अटेंडेंट की बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, जो भी सुटेबल हो आप उसको ले सकते हैं। इस तरह ही अमेजोन पर जैसे फ्लिपकार्ट पर है उसी तरह आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप जो चाहे चाहे आप फ्लिपकार्ट पसंद करते हैं या फिर अमेजोन, दोनों से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह का ईएमआरएस का सारा ही हार्ड कॉपी मटेरियल हमारी दोनों ही वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में है, यानी कि यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स नहीं चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप यहां से बाय नाउ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिंक अवेलेबल है। ये है लैब अटेंडेंट हिंदी मीडियम, इसी तरह से लैब अटेंडेंट इंग्लिश मीडियम का भी है। ये है लैब अटेंडेंट इंग्लिश मीडियम, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, आप चाहे तो उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के थ्रू आप क्लासेस या टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, जो भी आप चाहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स ये लिंक का यूज़ करेंगे, आईओएस यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा इस तरह का हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल है जो कि ऑल ओवर इंडिया में हमारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। हार्ड कॉपी नोट्स के लिए आप 8447410108 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी टीचिंग लाइन एग्जाम की हम प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या फिर वाइस प्रिंसिपल हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, जो भी आपकी पोस्ट होती है सभी की हम प्रिपरेशन कराते हैं। सभी के नोट्स हमारे पास रेडी है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपने नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।